So hello everyone. Yes, good afternoon all of you. Yes, good afternoon everyone. Yes, am I audible? Yes, please reply. Am I audible? Okay. So I think it's fine. Okay. So last lecture हमने कुछ important questions cover किए थे and now we are going to start with the next questions on the बायोडायवर्सिटी चैप्टर. ठीक है, सो बायोडायवर्सिटी चैप्टर पे हमने लास्ट सेशन में बहुत कुछ क्वेश्चन जो आए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो वो हमने कवर किए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यस नेक्स्ट टॉपिक. ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चंस हम वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. ऑलरेडी वैसे हमने बहुत अच्छा पार्ट कुछ कवर किया है, सो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे बाकी थे. आई थिंक हम आए थे, ये भितरकनिका भी हो गया था हमारा वैसे, एंड एशियाटिक लाइन भी हमने कवर कर दिया था. देन दिस आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल के सेशन में. ठीक है, सो कल के सेशन में हमने ब्लू फिन, मैशर, कावेरी रिवर, इरावडी डॉल्फिन, चंबल एंड एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी कवर किया है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट द आज हमने देखो मॉर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज अक्टूबर एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज. ठीक है, तो वो कवर कर दिया था हमने. ठीक है, सो बहुत अच्छा वहाँ पे आपको एंटायर कवरेज मिल जाएगा फॉर द एंटायर, मतलब जो भी जितने भी न्यूज़ आते हैं द हिंदू में, तो उसका हमने पूरा 360 डिग्री कवरेज हम वहाँ पे करते हैं. ठीक है, सो जस्ट गो टू द अन अकेडमी ऐप एंड वहाँ पे बस आपको सुमित कोंडे टाइप करना है एंड यू विल गेट ऑल द PDFs ऑल्सो, एंड जो उसका मोर एक्सप्लेनेशन होगा तो वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा. ठीक है, सो जस्ट गो टू द अन अकेडमी ऐप एंड फॉलो कर देना वहाँ पे. ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट. और हमने कुछ ये पॉइंट कवर कर दिया था लास्ट लेक्चर में, एंड दैट इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स. ऐसे कुछ आता है, देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रिफ आर इन द ट्रॉपिकल वाटर्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पढ़ लो फास्ट. एंड मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रिफ आर लोकेटेड ऑन द टेरिटरीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक ये नहीं, ये भी क्वेश्चन हुआ था हमारा कल. ओके ओके, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो ऑलरेडी हमने कल ये क्वेश्चन कवर कर दिया था. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वाई ये इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोस्पिस्यूजिलिया फ्लोरा ऑफन मेंशन इन द न्यूज़. ठीक है, तो ऐसे देखो अभी ये तो करंट अफेयर्स तब का था कि जब ये करंट में चल रहा था, बट अभी ऐसे हो सकता है कि सेम अगर और कोई न्यूज़ आते करंट में. ठीक है, तो यही पैटर्न में, पैटर्न तो यही रहेगा. शायद ये फिर से नहीं पूछेंगे ऐसे काइंड के क्वेश्चन, बट आपको एक याद रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे न्यूज़ अगर एक साल में कोई भी ऐसी फ्लोरा हो या फौना स्पीसीज अगर न्यूज़ में, तो शायद उस पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है. सो इट इज़ द यस दैट इज बी, इट टेंस टू रिड्यूस द बायोडायवर्सिटी ऑफ एरिया इन विच देयर इट ग्रोज. और इसको हम बायोलॉजिकल वर्ड्स में क्या कहते हैं, यस, या एनवायरमेंटल वर्ड्स में इसको हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज. ओके, सो इट इज़ नोन एज द इन्वेजिव स्पीसीज. ओके, सो जो मोस्टली इंडिया में बहुत जगह पे मिलती है, एंड इट इज़ अ एग्जॉटिक ट्री. देखो अब इसको बहुत सारा वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग नाम रहेंगे, दैट इज इन्वेजिव स्पीसीज, एग्जॉटिक स्पीसीज हो सकते हैं, या एलियन स्पीसीज भी इसको कहा जाता है. ठीक है, एंड इज़ वन ऑफ द टॉप इन्वेडर्स इन इंडिया, नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. सो ऑब्वियसली जो एलियन स्पीसीज होते हैं या इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, सो डेफिनेटली वो कोई अदर प्लेस से वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड उनका नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो देख लेना, इट इज़ द नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. तो कहाँ से उनका इंट्रोडक्शन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे उनका मेन हैबिटेट है वो भी आपको पता होना जरूरी है. ठीक है, एक तो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है तो इंडिया के बारे में, एंड सेकेंड है कि एग्जैक्टली वी कैन से कि नॉर्थ एंड ईस्टर्न कहाँ से हुआ है एग्जैक्टली, वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडायवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज. ठीक है, तो जहाँ पे ये मतलब इंक्रीज होते हैं, जहाँ पे इनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, सो वहाँ पे बायोडायवर्सिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है वहाँ की ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके सॉरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो प्लीज टेल मी अबाउट दिस कि कहाँ पे आता है ये, कौन से स्टेट में है पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यस, पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट, बिकॉज ये भी न्यूज़ में था हॉर्नबिल्स के रिलेटेड. अभी हॉर्नबिल्स के जो नंबर से यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुए हैं पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एंड वही है कि हॉर्नबिल्स रिलेटेड अगर न्यूज़ में आता है तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक हमने कल ये क्वेश्चन कवर किया था, सो दैट इज़ इन द अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो इनके नंबर्स कहाँ पे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश. नो नॉट सी, आई थिंक सम शालू इन्होंने आंसर किया है कि दैट इज सी, सो सी इज रॉन्ग, इट इज़ इन द अरुणाचल प्रदेश. प्लीज नोट दैट पकोई इज इन अरुणाचल प्रदेश. ओके यस गुड,
सो दैट शुड बी द आंसर. ओके सो याद रखना, यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो पक्के एक आता है, देन कमलांग एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सो ऐसे कुछ नाम धापा भी अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है. तो दिब्रू साइखोवा भी अगर हम देखते हैं तो वो भी वहाँ पे आ जाता है. दिबांग वैली भी अभी कुछ न्यूज़ में चल रहा है, देखो दिबांग वैली में एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे आ जाएगा दिबांग वैली. ओके सो दिबांग वैली में इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है. तो इसीलिए ये न्यूज़ में तो चल रहा है. तो जितने भी एरियाज है देखो, ऐसे पखुई होगा या फिर दिबांग या नाम धापा है, ठीक है. तो उसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर देना कि एग्जैक्टली इनकी लोकेशंस क्या क्या है. अगर बात देखा जाए तो आसाम में अगर हम देखते हैं तो आसाम में आएगा मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा. ओके तो ये सब कहाँ पे आ गए, इन द आसाम, ठीक है. मानस, ओरांग, नमेरी एंड काजीरंगा एंड पक्के एंड कमलांग इज इन, यस दैट इज इन द अरुणाचल प्रदेश. ओके नामधापा भी एक इम्पॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है. तो ये भी थोड़ा सा एक ओवरलुक करना है. जितने भी टाइगर रिजर्व है इंडिया में, तो आई थिंक यू शुड हैव टू गो थ्रू दिस ऑल्सो. तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा आता है, दैट इज नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे आएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है. सॉरी आंध्र प्रदेश में, एक्सक्यूज मी सॉरी, दैट इज नागार्जुन सागर श्री शैलम इज इन आंध्र प्रदेश. ओके तो वो देख लेना. एंड उसके बाद नीलगिरी के आसपास के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मुद्दुमलाई, बांदीपुर, सत्यमंगलम, BRT होगा, नगरहोल है, तो ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नियर बाय आते हैं, तो वो देख लेना, वेस्टर्न घाट में जो आते हैं वो. एंड उसके बाद अन्नामलाई पे भी कौन से आते हैं एग्जैक्टली वो देखना है. KMTR अगर देखा जाए तो सदर्न मोस्ट, हम पेनिनसुला प्लाटू में सदर्न मोस्ट अगर टाइगर रिजर्व देखते हैं, सो दैट इज द KMTR, दैट इज कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व. ओके सो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, सो गो फॉर दैट. नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे आता है, बोर इन महाराष्ट्र, ठीक है. सो ये भी देख लेना, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, बिकॉज इसी बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगता है इस पर भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ओके सो गुजरात से ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ ओनली अगर देखा जाए नेचुरली एशियाटिक लायंस कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात में गिर में मिलते हैं. सो उसी अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि इसका कहाँ पे होने वाला था. एंड अभी ऐसा भी चल रहा है कि जो आपका ये रहेगा, क्या नाम है उसका, कि जो चिताज है, तो चिता भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का चल रहा था अभी, वैसे भी कुछ न्यूज़ थी, ठीक है. तो एनीवेज ये थोड़ा पास्ट क्वेश्चन है, बट ऐसे ही ट्रांसलोकेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं. सो प्लीज़ टेल मी द आंसर अबाउट दिस, क्या आंसर रहेगा इसका, गुजरात टू, यस. सो आंसर शुड बी यस, दैट इज द कुनो पालमपुर, वेरी नाइस, दैट इज द कुनो पालमपुर, ठीक है. सो कुनो पालमपुर यहाँ पे MP में, गुजरात टू कुनो पालमपुर, ठीक है. सो आंसर शुड बी बी, दैट इज गुजरात टू कुनो पालमपुर, ऐसे ये ट्रांसलोकेशन होने वाला था, ठीक है. तो याद रखना कुनो पालमपुर और किसके लिए न्यूज़ में था, तो दैट इज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, जो कि इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में, तो उसके बाद. ओके सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, सो दैट इज हमने देखा था ना चित्ता कहाँ से, हम नामीबिया से इंट्रोड्यूस करने वाले थे चिताज, अगेन 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ था, तो उसके बाद हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले थे, तो वो भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला था, मतलब ये 1920 की कुछ न्यूज़ रहेगी. सो दैट इज इन द कुनो पालमपुर. तो देखो इसी एंगल से यहाँ पे अगेन कुनो पालमपुर वॉज इन द लाइट, सो मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन अगेन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है. एक तो ये हो गया, सेकंड ऐसा है कि अभी और चीता वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला था, बट इसके पहले ही कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, सो दैट इज इन द मैसूर जूलॉजिकल पार्क. मैसूर जूलॉजिकल पार्क में ऑलरेडी चीता हमने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. तो ये सब लोकेशंस देखो अगेन करंट में, इसलिए आपको यहाँ पे अटैच करके दे रहा हूँ, बिकॉज शायद इस पर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की और यही पैटर्न में और कुछ बन सकते हैं. ओके तो जितने भी ट्रांसलोकेशंस होते हैं इंडिया में दो एक दो साल में, तो वो थोड़ा सा लुकआउट कर देना, ठीक है. नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रीड दिस क्वेश्चन. यस रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू सम रीजंस इफ देर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी द इट्स लाइकली कंसिक्वेंसेस. पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स. इट कुड बी लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वॉसप्स एंड स्पाइडर्स एंड बर्ड्स. यस व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट. यस फास्ट, क्या रहेगा इसका आंसर, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है फास्ट.
ओके सो चलो देखते हैं, एक सफिशेंटली टाइम तो दे दिया आपको. सो दैट इज आंसर शुड बी यस, वी कैन से ऑल ऑफ द अबव. पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, यस दैट इज राइट. ओके एंड देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द, वी कैन से कि जो फंगल इन्फेक्शन है ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, तो वो भी एक पॉसिबल हो सकता है. ठीक है एंड सेकेंड है कि यहाँ पे इट कुड बी अ लेट टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज. ओके सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो द थिंग इज, हाँ यहाँ पे सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था यहाँ पे. सो जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, देखो कुलो पालमपुर का, तो वो लोकेशन यही रहेगा. ठीक है तो यही आपको थोड़ा शो करना था, बट आई थिंक इट इज मिसप्लेस टू द विद द अलॉन्ग विद द अदर क्वेश्चन. ओके सो सॉरी फॉर दैट. एंड देखो यहाँ पे देख लेना, कुलो गिर से कुनो पालमपुर, ऐसे हम यहाँ पे ट्रांसलोकेशन करने वाले थे. ठीक है समझ गया ये सबको रूट, तो शायद ये रूट्स पे भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं. ठीक है तो रूट्स देख लेना. एंड अभी चित्ता के लिए, अभी तो चलो ये तो एशियाटिक लायन तो पुराना हो गया अभी, बट अभी चित्ता का जो इंट्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है, तो यही रीजन से वो ग्वालियर के या मालवा प्लाटू जो है तो उसके साउथ वेस्ट में आता है. एंड सेकेंड है कि ये थोड़ा सा अरिड रीजन लाइक आएगा, सेमी अरिड टू सेमी अरिड रीजन से, एंड स्लाइटली ग्रासलैंड से यहाँ पे डेवलप्ड है. एंड जो कि चीता के लिए वैसे ही थोड़े से ओपन एरियाज लगते हैं, नॉट फॉरेस्टेड एरियाज. ठीक है तो ये बेस्ट लोकेशन माना जा रहा है उसके लिए. ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सैंडर्स विथ रेफरेंस टू द रेड सैंडर्स, विथ रेफरेंस टू द रेड सैंडर्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया. फास्ट रिप्लाई फास्ट, यस इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, प्लीज रीड इट केयरफुली एंड तभी आंसर देना है. फास्ट प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है सो देखते हैं. सो यस वेरी नाइस, दैट इज आंसर इज गिवन बाय सुप्रिया, दैट इज सी. नो सो देखो इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन द साउथ इंडिया, सो इट इज राइट. ओके तो ये स्मगलिंग के रिलेटेड देखो बहुत ज्यादा रेड सैंडर्स कुछ न्यूज में होता है, तो साउथ इंडिया में नीलगिरी वगैरह अलॉन्ग विद नीलगिरी ईस्टर्न घाट के आसपास कुछ दिख जाएगा आपको. सो दैट इज राइट, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कैसे होगा, इंडिया में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलना मुश्किल है, याद रखना. बहुत ही अंडमान निकोबार वैसे रीजन्स में हम देख सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पॉसिबल है, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब इक्वेटर के आसपास जो फॉरेस्ट होता है वो होता है. सो दैट शुड बी रॉन्ग. ओके सो आंसर इज द वन ओनली. ओके सो आंसर क्या रहेगा इसका, वन ओनली. इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, रेड सैंडर्स एज अ हाईली रेस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन द सदर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. ओके एंड विच इज एंडेमिक वन ऑल्सो, तो ये एंडेमिक भी रहेगा. ठीक है सो ये सैंडर्स को देखो, ये यहाँ पे बहुत हम देखते हैं ना स्मगलिंग में, ऐसे बहुत बार इसके मतलब कैप्चर किए जाते हैं. ठीक है सो दैट इज इन द वेरी प्रोन टू द स्मगलिंग. सो एनी वेज, तो इट इज़ नॉट अ रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है. प्लीज नोट दिस पॉइंट, इट इज अंडर द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस रीजन्स एंड फॉल्स इन द इको टेरिस्टल रीजन ऑफ द डेक्कन थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट एज वेल एज द सेंट्रल डेक्कन प्लाटूज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है तो ये मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, देन उसके बाद डेक्कन थॉर्न स्क्रब एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ही आता है, नॉट इन द रेन फॉरेस्ट. सो दैट शुड बी रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन. ओके सो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके सो नेक्स्ट, सो दैट इज अबाउट द खराई कैमल. ओके वॉट इज आवर यूनिक अबाउट द खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया. फास्ट, सो इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू द 3 किलोमीटर्स इन अ सी वाटर, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स एंड इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड. सो वॉट शुड बी द आंसर फॉर द खराई कैमल. देखो ऐसे कैमल्स में जैसे डबल हम्ड कैमल का भी एक क्वेश्चन आया था, तो वैसे ही ये खराई कैमल के रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था. ठीक है सो देख लो इसको क्या आंसर रहेगा इसका. ओके सो आंसर दिया है ए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने. ओके डोंट नो. ओके सुप्रिया डोंट नो. देखो सिंपल है ना, देखो इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलो. अभी खराई कैमल है सो मोस्टली ये कहाँ पे मिलता है, शायद जिन्होंने ए आंसर दिया है तो उनको पता होगा. ठीक हो, खराई कैमल मोस्टली कहाँ पे मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात. ओके सो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, यस गुड दैट इज शालू. ठीक है सो देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, मोस्टली गुजरात में ही ये कन्फाइंड है, वहाँ पे ही एंडेमिक है, दूसरे और कहाँ पे नहीं मिलता है. ठीक है फर्स्ट थिंग.
सेकेंड थिंग ऐसे है कि यहाँ पे इनका मेजर हैबिटेट अगर देखा जाए तो ग्रेजिंग इनका मैंग्रोव पे होता है, हर्बीवोर है, एंड ग्रेजिंग इनका किस पे होगा, दैट इज ऑन द मैंग्रोव। ओके, तो ये 3 किलोमीटर्स तक डेफिनेटली, मतलब गल्फ के एरियाज में रहते हैं, मैंग्रोव्स के एरियाज में रहते हैं, तो ये 3 किलोमीटर तक सी वाटर में स्विम कर सकते हैं, एंड इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड। देखो ये बता रहा है ना कि हम इसको डोमेस्टिकेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं, ठीक है। गुजरात इज द ओनली होम टू द इट इज ओनली होम टू द खराई कैमल हु हैव एडेप्टेड द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ रन ऑफ शैलो सीज एंड हाई सैलिनिटी। ओके, एंड द ब्रीड आइडेंटिफाइड एज ए एंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड में आते हैं, एंड मोस्टली मालधारी कुछ कम्युनिटी आते हैं, तो उनके अंडर ये मोस्टली लाइवलीहुड इनका या इस पे डिपेंड रहेगा। एंड वन ऑफ इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट कैन स्वीप थ्रू द डीप सी वाटर ऑल्सो, एंड ड्यूरिंग लो टाइड एंड एडल्ट कैमल वॉक थ्रू द सी वाटर ऑल्सो। ऐसे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, एंड नियरली 72 कैटल्स आर मलबरीज और द 10 विलेजेस, मतलब ऐसे कुछ 72 कैमल्स तक बचे हैं कुछ, ठीक है। तो शायद ये भी काइंड में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको, अंडरस्टूड एवरी वन, क्वेश्चन समझ गया सबको। तो देखो ये डोमेस्टिकेट हो सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड है ये, एंड यहाँ पे कैनॉट दिया, सो इसलिए थर्ड रॉन्ग होगा, सो आंसर शुड बी 1 एंड 2 ओनली। ओके, क्लियर यहाँ तक सबको? यस, एनी डाउट अप टू दिस? यस, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट इज अदर देन पोचिंग, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंजेज रिवर डॉल्फिन? क्या रीजन हो सकता है गैंजेज रिवर डॉल्फिन का पॉपुलेशन डिक्रीज होने में? फास्ट यस, व्हाट शुड बी द आंसर? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराज ऑन द रिवर, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर, गेटिंग ट्रैप्ड इन फिश नेट्स एक्सीडेंटली, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ओके, सो सुप्रिया सेड आंसर इज डी। ओके, और क्या किसी का आंसर कुछ हो सकता है यहाँ पे? सो हाउ इट इज पॉसिबल? देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स डेवलपमेंट एक्टिविटी से तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, सो वन इज राइट। ओके, तो वन तो होना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी में वन नहीं है तो वो कट कर दिया हमने। देन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द क्रोकोडाइल, तो देखो क्रोकोडाइल आपने सुना है कभी कि क्रोकोडाइल कंज्यूम करते हैं क्या? यस, क्रोकोडाइल कभी कंज्यूम करते हैं क्या डॉल्फिन्स को? तो नहीं करते, तो याद रखना ऐसे इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल, ऐसे उन पे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये मोस्टली डीप वाटर में या इंटीरियर पार्ट्स में होते हैं, एंड क्रोकोडाइल मोस्टली नियर टू द शोर एरियाज हो गए, जो भी रिवर का नियर बाय एरियाज हो गए, तो वहाँ पे हो गए। सो क्रोकोडाइल की इंक्रीज से ऐसे ज़्यादा कुछ इन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो सेकेंड शुड नॉट बी देयर। सो अगर टू कट कर देते तो वैसे भी हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है, दैट इज 1, 3, 4। ओके, सो गेटिंग ट्रैप इन द फिशिंग नेट्स, यस इट इज पॉसिबल, इनके वजह से नंबर कम हो सकता है, एंड फर्टिलाइजर सिंथेटिक एक्सेट्रा यूट्रोफिकेशन हो जाते हैं, तो उन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट इसका होने ही वाला है। सो आंसर शुड बी सी। ओके, सो दैट इज 1, 3 एंड 4, नॉट सेकेंड वन। ओके, सो ये रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। रिवर हैज नो क्रोकोडाइल्स, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो याद रखना ये एंडेंजर्ड में आते हैं। वैसे देखा जाए तो डॉल्फिन्स आर इन द शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, ओके, 1972, एंड IUCN में कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आए, ठीक है। सो उतना एक आपको याद रखना है, ठीक है। सो गुड, ओके, सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस? तो देखो इंडिया में वैसे दो टाइप के डॉल्फिन्स मिलते हैं, सो दैट इज गंगा रिवर डॉल्फिन को जनरली सुसु भी कहा जाता है, सुशुक या सुसु कहा जाता है, जो कि गंगा में तो मिलते ही है, अलॉन्ग विद दैट ब्रह्मपुत्र एंड मेघना में भी मिलते हैं। ओके, देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना इनका मेजर हैबिटेट है, एंड कर्णापुली, संगू रिवर ऐसे कुछ है नेपाल के, तो वहाँ पे भी स्लाइटली मिलता है। देखो कर्णापुली इन द नेपाल, ओके, एंड बांग्लादेश में भी ये मिलता है। एंड सेकेंड जो है तो वो रहेंगे इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इंडस रिवर डॉल्फिन कहाँ पे मिलते हैं? सो दैट इज़ इन बियास रिवर या इंडस रिवर, जो पाकिस्तान में मोस्टली वहाँ पे फ्लो होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स है। एंड उसका और एक नाम है, दैट इज़ भूलान, ठीक है, उसको भूलान भी कहा जाता है, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट गंगा रिवर डॉल्फिन के नंबर्स थोड़े से इंडिया में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, एंड हार्डली बियास रिवर में अगर कुछ मिलता है, इसलिए नंबर्स उसके जो इंडस रिवर डॉल्फिन है तो उसके नंबर कम है, एंड भूलान उसको कहा जाएगा, इंडस को,
एंड गंगा रिवर डॉल्फिन को सुशुक या सुसु कहा जाता है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट्स थोड़े से याद रखो। सो नेक्स्ट है, इफ़ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी मोर बर्ड्स टॉकिंग ऑन द कैटल, मतलब जो म्यूचुअलिज्म जिसको हम बोल सकते हैं वो आ सकता है, या एमेंसलिज्म भी इसको कहा जाता है, टू सीज इन द इनटेक डिस्टर्ब्ड बाय देयर मूवमेंट थ्रू द ग्रासेस। तो जो कैटल्स पे जनरली इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं ना, तो ऐसे कौन से रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे कौन से बर्ड्स है कि जो उसमें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट शुड बी द आंसर, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, फास्ट प्लीज आंसर दिस फास्ट। ओके गुड, सो आंसर दिया है बी फ्रॉम द शालू एंड सुप्रिया इज वन। ओके ठीक है, सो देख लेना, इसके लिए थोड़ा बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो देखो पेंटेड स्टॉक तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, दैट इज द पेंटेड स्टॉक इज द राइट। ओके, एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन भी इसमें रहेगा। सो कॉमन माइना जो होते हैं, माइना वो इंटीरियर पार्ट्स में दिखेंगे, ठीक है? तो मतलब ऐसे नॉर्मल एरियाज में आपको माइनस दिखेंगे, तो माइना शुड बी नॉट देयर। सो ये देखो फीड होते, कॉमन माइना किस पे फीड होते हैं? कॉमन माइना फीड्स ऑन इंसेक्ट डिस्टर्ब्ड बाय ग्रेजिंग कैटल। ओके, तो मतलब वो इंसेक्ट्स पे जनरली, एंड फिश सॉरी पेंटेड स्टॉक जो है वो नहीं रहेगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो पेंटेड स्टॉक शुड नॉट बी देयर, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज कॉमन माइना एंड ब्लैक नेक्ड। सो आंसर इसका क्या रहेगा? सी, दैट इज 2 एंड 3। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड पेंटेड स्टॉक नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी, पेंटेड स्टॉक जो है तो वो फिश इन द लेक्स। ओके, जो फिश है तो लेक्स के फिश जो है तो वो जनरली कंज्यूम करते हैं पेंटेड स्टॉक। एंड कॉमन माइना जो रहेगा तो वो एंड ब्लैक नेक क्रेन्स, सो इनका कंजम्पशन होता है यहाँ से, ठीक है? तो कैटल टू सीज इंसेक्ट, सो दैट शुड बी द कॉमन माइना एंड ब्लैक नेक क्रेन्स। सो आंसर शुड बी सी, दैट इज 2 एंड 3। अंडरस्टूड एवरीवन? आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा, ठीक है? ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। देन देखो नेक्स्ट, देखो पेंटेड स्टॉक इज अ फिश ईटिंग बर्ड। ओके, दे फॉर्ज ऑन द फ्लॉक्स ऑफ अ शैलो वाटर एक्सेट्रा, एंड वहाँ पे आपको फिश ईटिंग दिखी जाएगी, ठीक है? एंड सेकेंडली कॉमन माइना इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है? दस इजिली फाउंड इन द कंट्री साइड्स एक्सेट्रा, तो जनरली उस पर कंज्यूम होता है, ठीक है? एंड अल्पाइन क्रेन्स एक्सेट्रा। ओके, सो आंसर इज सी, यस आंसर शुड बी सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अबाउट द एनिमल्स, सम मैमल्स के रिगार्डिंग है। सो इसमें कौन से मैमल्स है? विच वन ऑफ द अबो इज आर मैमल्स? मैमल्स में कौन कौन आता है? सी काउ, सी हॉर्स एंड सी लायन। यस फास्ट, क्या रहेगा इसका आंसर? ओके, डी बाय सुप्रिया। ओके, ऑल ऑफ द अबव। पहले आप ये आदत छोड़ दो कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ये यूपीएससी में बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा सोचो इस पे, है ना? अगर पता होगा तो ये तो सी हॉर्स, ये क्या एक्चुअली, ये अगर देखा जाए तो ये फिश का टाइप है। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश। ओके, फिश के कैटेगरीज में जनरली हम इसको काउंट कर सकते हैं। सो दैट सी हॉर्स शुड नॉट बी देयर। सो सी काउ मीन्स वॉट? यस, सी काउ का मतलब क्या होता है? यस, दैट इज डुगोंग। डुगोंग इज द सी काउ एंड वो मैमल में कंसिडर होता है, एंड सी लायन ऑल्सो। सो आंसर शुड बी 1 एंड 3। ओके, आंसर क्या रहेगा इसका? देखो बी, दैट इज 1 एंड 3। ओके, आंसर इज द बी, सी काउ दैट इज डुगोंग, जो कि गल्फ ऑफ पन्नार में मिलते हैं, एंड सी लायन ऑल्सो। सो देखो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिबल्स, अगर देखा जाए तो सी काउ एंड सी लाइन उसमें आ सकते हैं। ओके, एंड सी हॉर्स आर क्लासिफाइड एज अ फिश इन द जीनस ऑफ द हिप्पोकैम्पस, ऐसे कुछ आता है तो इसमें आ जाएगी वो, ठीक है? क्लियर है? एंड दे आर अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश दैट हैज़ अ प्लेट आर्मर्ड थ्रू आउट द बॉडी, नो स्केल्स ऐसे होते हैं, एंड दे आर अराउंड 50 डिफरेंट स्पीसीज इन द सी हॉर्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो ऐसे ये सी हॉर्स नहीं आएगा, ये फिश में आता है, तो आंसर शुड बी 1 एंड 3 ओनली। ओके, सो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके, क्लियर है यहां तक? 1 एंड 3। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द अबव फाउंड इन इंडिया? सी टॉट सॉरी स्टार टॉर्टाइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग
पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी। यस, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी, मॉनिटर लिजार्ड, स्टार टॉर्टोइस। फास्ट, क्या रहेगा इसका आंसर? कौन से मिलते हैं इसमें से इंडिया में? देखो यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सब आना चाहिए आपको। फास्ट, आई थिंक नो आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, सी, प्रियंका सेड सी, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सी नहीं रहेगा इसका आंसर। यस, गुड सुप्रिया, एंड दैट इज ए। ओके, वेरी नाइस, एंड दैट इज 1, 2, 3। ओके, तो स्टार टॉर्टोइज इज देयर, मॉनिटर लिजार्ड भी मिलते हैं साउथ इंडिया में, कुछ नीलगिरी के रीजन्स में डिफरेंट लिजार्ड, गेको वगैरह के टाइप भी मिलते हैं इंडिया में, एंड पिग्मी हॉग इन द अंडमान निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा पिग्मी हॉग्स अगर आप देखते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, वन ऑफ द स्मॉल स्पीसीज ऑफ दैट पिक की जो देखा जाए तो वो पिग्मी हॉग्स यहाँ पे दिख जाएगा आपको। सो स्पाइडर मंकी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं मोस्टली, दे आर फाउंड इन द यस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम द सदर्न मेक्सिको टू ब्राजील। ओके, एंड द जीनस कंटेन 7 स्पीसीज, ऐसे कुछ आते हैं तो वो मेक्सिको एंड ब्राजील में आ जाएगा स्पाइडर मंकी। ओके, सो आंसर क्या रहेगा इसका? 1, 2, 3, दैट इज आंसर इज ए। ओके, क्लियर है? तो देखो मॉनिटर लिजार आर लार्ज लिजार्ड इन द जीनस ऑफ द वेरानस, ऐसे कुछ आते हैं, नेटिव टू द अफ्रीका, एशिया एक्सेट्रा, बट इंडिया में भी मिलते ही है। एंड द इंडियन स्टार टॉर्टोइस अगर देखा जाए तो फाउंड इन द इंडिया, दैट इज इन द पाकिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा भी मिलते हैं। एंड पिग्मी हॉक तो हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडिया में अभी बचे हैं, मतलब बिकॉज उनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं एंड बहुत सारा पॉपुलेशन इनका कम हो गया है रिसेंट टाइम में। ठीक है, सो आंसर शुड बी 1, 2, 3, दैट इज ए। ओके, तो ए आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथ्रोन। ओके, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? यस, गुड, जो जो आंसर कर रहे हैं राइट, सो उनका बहुत सही है, बट ट्राई करो कि इंटरएक्टिव रहो। ठीक है, उतने आंसर सेंड करो, जो भी रहेगा आंसर सेंड करना है। यस, वेरी नाइस। ओके, चलो फास्ट, सी बकथ्रोन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजेस कल्टीवेशन ऑफ सी बकथ्रोन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? फास्ट, ओके, नहीं पता है इसका आंसर। सी बकथ्रोन, सी बकथ्रोन। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। सो आंसर शुड बी सी, एंड दैट इज 1 एंड 3 ओनली। इट हेल्प इन द कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इन प्रिवेंटिंग द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आंसर सी रहेगा इसका। वेरी नाइस, आई थिंक शालू ने गुड आंसर दिया है। एंड थर्ड इज द इट हैज़ द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज डेवलप वेल एडेप्टेड एंड लिव इन द कोल्ड एरियाज इन द हाई अल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो हाई अल्टीट्यूड जो है तो वहाँ पे भी ये सस्टेन कर सकते हैं एंड वहाँ का सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आंसर शुड बी 1 एंड 3। अभी तक ग्रेट कमर्शियल वैल्यू तो नहीं रहेगी इसमें, डेफिनेटली आपको टिम्बर में तो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ग्रासी नेचर में आता है। ठीक है, एंड रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल ऐसा भी कुछ यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ टिम्बर, इट इज़ फॉल इन द स्क्रब, है ना, सिंस इट इज़ अ श्रब। ओके, श्रब्स एंड कैन नॉट प्रोवाइड टिम्बर फॉर द कमर्शियल वैल्यू। सो वो फोर्थ स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एंड अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द हिमालयन रीजन, लद्दाख रीजन में जनरली मिलता ही है। ठीक है, क्लियर है? तो लद्दाख रीजन में रहेगा ये। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा, लाहौल स्पीति वगैरह एक्सेट्रा रीजन, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो ऑलरेडी हमने ये पार्ट वैसे तो कवर किया था आपको, अगर एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज जब हम करते हैं तो देखो न्यूज़ में बहुत बार ये हिट हुआ था। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर 19 जून 19 से लेकर जून 20 तक का पूरा कवरेज जो हमने लिया था तो उसमें ये न्यूज़ में था। ठीक है, जून 19 टू जून 20 का एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज। ओके, तो वो ऑलरेडी आपको अन अकेडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा एंड उसके पूरे पीडीएफ है, जो जितने भी द हिंदू में न्यूज़ आता है एवरी डे की न्यूज़ होती है तो उसका पूरा 360 डिग्री कवरेज हमने ऑलरेडी किया है। बस आपको स्पेशल क्लासेस में फ्री फॉर ऑल है, वहाँ से पीपीटी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आपको एनवायरमेंट रिलेटेड द हिंदू में कोई भी मतलब पार्ट रीड करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना डिटेल में हमने उसको कवर किया है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट, एंड चलो
वॉट वुड हैपन इन फाइटोप्लैंकटन ऑफ एन ओशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर अ सम रीजन। क्या पॉसिबल हो सकता है? देखो फाइटोप्लैंकटन्स जिसको हम कोरल्स बोलते हैं जनरली, सो अगर वो डिक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे तो क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर फाइटोप्लैंकटन्स ऑफ द ओशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गए, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? यस बताओ फास्ट। फास्ट क्या रहेगा इसका आंसर? द ओशन कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ओके बाय सुप्रिया इट इज आंसर ए, बाय प्रियंका ऑल्सो इट इज आंसर ए, एंड शालू हैज अ भावेश। चलो भावेश ठीक है, भावेश आपका आंसर है, आपका भी ए आंसर है, गुड। ओके सो देखते चलो, आंसर इज ए एंड दैट इज डेफिनेटली कार्बन सिंक के लिए तो बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉरेस्ट के बाद कोरल्स को अगर देखा जाए तो कोरल्स को भी हम क्या करते हैं कि एज अ कार्बन सिंक कंसिडर करते हैं, एंड फूड चेन्स तो डेफिनेटली अफेक्ट होगी क्योंकि जहाँ पे फाइटोप्लैंकटन के नंबर ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, फूड चेन्स वगैरह एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड बी ड्रास्टिकली डिक्रीज, तो ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं होगा। देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर ड्यू टू द डेथ ऑफ द फाइटोप्लैंकटन, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर दैट। ओके सो आंसर शुड बी वन एंड टू ओनली। ओके क्लियर यहाँ तक सबको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स ओरिक्स एंड चिरू? क्या डिफरेंस है इसमें? फास्ट फास्ट चलो, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स ओरिक्स एंड चिरू? क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पे? ओके बाय शालू इट इज आंसर इज ए। ओके बाकी स्टूडेंट्स? ओके ठीक है, सो आंसर इज ए, वेरी नाइस। ऑरिक्स इज अ हॉट अरिड सेमी अरिड ग्रासलैंड में मिलते हैं एंड चिरू मोस्टली कोल्ड डेजर्ट में आते हैं, ठीक है। ओके सो ये देखना अगर, तो मोस्टली देखो ये टाइप में आपको दिख सकते हैं थोड़े से, ऑरिक्स जो होते हैं हॉट अरिड एंड सेमी अरिड ग्रासलैंड में आता है, ठीक है, एंड चिरू जो है वो कोल्ड डेजर्ट्स में आते हैं, ठीक है। सो इतना याद रखना, यहाँ पे इमेज दिया है मैंने आपको, एंड ओरिक्स इज एडप्टेड टू लिव इन हॉट अरिड एरियाज वेयर एज चिरू इन द एडप्टेड इन द लिव इन द स्टेपी ग्रासलैंड्स। ओके तो ये जो है ना चिरूस, तो वो मोस्टली स्टेपी ग्रासलैंड मतलब रशिया वगैरह के पार्ट्स में आ जाएंगे, सेमी अरिड एरियाज कोल्ड हाई माउंटेन्स एक्सेट्रा, एंड ओरिक्स हैज अ हॉर्न एंड नॉट एंटिलर्स वेयर चिरू इज पोस्ट फॉर इट्स अंडर वुल। जनरली वुल के लिए है चिरूस को, मोस्टली इनका पोचिंग ज़्यादा होता है, एंड चिरू और तिबेटियन एंटीलोप भी कहा जाता है इसको, मतलब तिबेट में इनके अच्छे खासे पॉपुलेशन है लद्दाख रीजन्स में। चिरू और तिबेटियन एंटीलोप इज एंडेंजर्ड एनिमल फाउंड इन द लद्दाख रीजन एंड जम्मू कश्मीर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो आंसर शुड बी ए। ओके क्लियर यहाँ तक? आंसर क्या होगा? ए रहेगा इसका। ओके गुड ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड विच आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इसमें से कौन से हो सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स? बैट बी एंड बर्ड, बैट बी एंड बर्ड, सो हु आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स? फर्स्ट क्या रहेगा इसका आंसर? पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन है इसमें? ओके डी, ओके ए बाय द शालू, ओके सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। बर्ड होगा या बी हो गए या बैट हो गए, तो जनरली हर एक के थ्रू कुछ ना कुछ तो पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबो। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा हम इसमें कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, सो आंसर शुड बी डी। ओके दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बी भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, सबकी तरफ से थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ पॉलिनेशन में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है जनरली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। ओके सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सो वॉट शुड बी द आंसर? बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, सो सॉइल फॉर्मेशन,
प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? फास्ट। ओके बाय शालू, इट इज आंसर इज ए 1 2 3। ओके आई थिंक सुप्रे इज डी 1 2 3 4। ओके एंड ओके अलम अलम दैट इज 40 बी। सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, सो याद रखना सबके सब हो गए यहाँ पे। सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन डेफिनेटली, एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ये भी नेचुरली बायोडायवर्सिटी के थ्रू होता है, एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो आंसर शुड बी डी, दैट इज आंसर इज डी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन एक्सेट्रा ऑल ऑफ द अबव। ओके सो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सैंडी एंड सलाइन एरियाज इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडिया, ओके इंडियन एनिमल स्पीसीज, द एनिमल हैज़ नो प्रेडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस थ्रेटन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। सो देख लेना यहाँ पे प्रेडेटर नहीं ऐसा कोई पार्ट है, एंड सैंडी एंड सलाइन पार्ट है। ओके तो बताओ कौन सा ये स्पीसीज रहेगा यहाँ पे कि जिसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हाट कुड बी दैट एनिमल। देखो सैंडी सलाइन एरिया नेचुरल हैबिटेट है ऑफ इंडियन एनिमल स्पीसीज, ओके मोस्टली इंडिया में मिलता है, एंड द एनिमल हैज़ नो प्रेडेटर इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंडेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। ओके सो कौन सा यहाँ पे स्पीसीज की बात चल रही है? ओके सुप्रिया सेड बी, बाकी स्टूडेंट फास्ट, सबको आंसर करना है फास्ट। ओके शालू सेड ए, ओके गुजरात, चलो गुजरात तो चलो सही है, लोकेशन तो बहुत अच्छा बताया, दैट इज गुजरात, रन ऑफ कच्छ। ओके रन ऑफ कच्छ का कुछ एरिया आ जाएगा, एंड दैट इज इंडियन वाइल्ड लैस। वेरी नाइस, ओके सो जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत ही अच्छा है। सो दैट इज इंडियन वाइल्ड लैस, ओके इंडियन वाइल्ड लैस सेंचुरी भी आती है, सो दैट इज इन द रन ऑफ कच्छ। तो ये सैंडी सलाइन एरिया, एंड यहाँ पे प्रेडेटर नहीं है कोई, मतलब लाइक टाइगर लियोपर्ड या फिर लायंस ऐसा इनका पॉपुलेशन रन ऑफ कच्छ की तरफ नहीं आता है, सो इसलिए इंडियन वाइल्ड लैस जो है तो उनका पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा वहाँ पे सस्टेन हुआ है। ठीक है, सो दैट इज इंडियन वाइल्ड लैस। ओके क्लियर है यहाँ तक? ओके सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऐसे होते हैं इंडियन वाइल्ड लैस में, अगर देखा जाए तो रन ऑफ कच्छ के एरियाज में आते हैं। देखो इतना पूरा वेस्ट की तरफ है ये, ओके तो ऐसे एरियाज ही वाइल्ड लैस के। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज घोर, ओके घोर भी कहा जाता है इनको, देन सेकेंड खार, गुड खार खूर ऐसे भी कहा जाता है, एंड प्रीडोमिनेटली इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ, ओके सराउंडिंग एरियाज इन गुजरात, एंड फाउंड इन द सदर्न पाकिस्तान ऑल्सो, अफगानिस्तान ऑल्सो, सदर्न ईस्टर्न ईरान ऑल्सो, सलाइन डेजर्ट्स एक्सेट्रा रीजन्स, एंड आईयूसीएन में अगर देखा जाए तो इसका वाइल्ड फ्रॉम द एंडेंजर्ड कैटेगरी, ओके सो इट इज एज मूव फ्रॉम द वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड कैटेगरी, इनको मूव किया है बिकॉज इनका हैबिटेशन बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए इनका थ्रेट बहुत ज़्यादा, इनको थ्रेट इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए अभी इनको एंडेंजर्ड थ्रेटन लिस्ट के एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऐड कर दिया। सो अभी ये वाइल्ड लाइफ अगर देखा जाए तो एंडेंजर्ड में आएंगे। ठीक है, एंड इनके प्रेडेटरी के एरियाज में तो नो प्रेडेटर्स, बट स्टिल हैबिटेट लॉस की वजह से इशू हो रहा है इनका, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज अ हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी रीजन, ओके एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी रीजन। ऑलरेडी हमने ये सब बहुत डिटेल में कवर किया है, सो इसमें से क्या रीजन हो सकता है, मतलब कौन से क्राइटेरियाज है कि जो हम कंसिडर कर सकते हैं टू डिक्लेयर द हॉटस्पॉट रीजन। स्पीसीज रिचनेस, वेजिटेशन ऑफ डेंसिटी, एंडेमिज्म, इथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस, थ्रेट परसेप्शन, व्हाट शुड बी द आंसर? यस फास्ट। 42 इज सी बाय सुप्रिया। देखो जिनको ये समझ गया, मतलब आपको पूरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब अंडरस्टैंड हो गया, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। हमने देखे थे ना वर्ल्ड में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया में 4 आते हैं, बट उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरियाज है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कल के सेशन में भी बताया था। ठीक है, सो क्या आंसर रहेगा इसका? बस ओनली सुप्रिया, ओके शालू ने दिया आंसर ए, यस आलम ने दिया आंसर सी, ओके गुड वेरी नाइस, सो दैट इज आंसर नंबर इज सी।
ओके, तो यहाँ पे देखो स्पीसीज रिचनेस मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1500 स्पीसीज एंडेमिक होने चाहिए, वैस्कुलर प्लांट्स 1500 प्लस यहाँ पे क्या होने चाहिए, वैस्कुलर प्लांट्स विच आर एंडेमिक वन, ठीक है, सो जो कि एंडेमिक होने चाहिए फर्स्ट क्राइटेरिया, एंड सेकेंड उनको थ्रेड भी होना चाहिए, देखो एंडेमिज्म भी है, ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस मोर देन 1500 स्पीसीज रिचनेस ऐसे कुछ होना चाहिए, एंड 0.5% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे एंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे होने चाहिए, तो ये दो क्राइटेरिया तो आ गए, बट एक 70% तक उनको थ्रेड भी होना ज़रूरी है, तो बस इतनी तीन ही चीज़ें ना, 1, 3 एंड 6, यहाँ पे अगर 5 देखा जाए, सॉरी 1, 3 एंड 5, ठीक है, सो जो थ्रेड परसेप्शन होता है, बाकी यहाँ पे वेजिटेशन डेंसिटी वगैरह दैट डजेंट मैटर, ठीक है, सो आंसर शुड बी सी दैट इज 1, 3, 5, ओके, सो ऑलरेडी हमने ये कवर किया बहुत अच्छी तरीके से, आप थोड़े से लेक्चर्स देख लेना, एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स एज ए एंडेमिक, 0. मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये दोनों में से एक क्राइटेरिया यहाँ पे मीट होना चाहिए, मतलब एंडेमिक भी होने चाहिए एंड लॉस ऑफ एटलीस्ट 70%, तभी जाके हम इसको क्या करेंगे एज अ हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो लॉस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट 70% लॉस होना चाहिए, तो इतने ही तीन क्राइटेरिया मतलब इसमें तीन कंटेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, सो दैट इज स्पीसीज रिचनेस एंडेमिज्म एंड थ्रेट परसेप्शन, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इन टू द एनवायरमेंट, तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जस्ट फाइंड आउट फास्ट विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, यस फास्ट, क्या रहेगा इसका आंसर, नाइट्रोजन रिलीज के बारे में एक दिया है, कैटल रिलीज अमोनिया एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज द रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट, सो व्हाट शुड बी द आंसर, यस सुप्रिया सेड डी, ओके, बाकी स्टूडेंट्स, ओके, सो आंसर इज डी, वेरी नाइस, एंड दैट इज पोल्ट्री इंडस्ट्री हो उससे नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन रिलीज होता है, कैटल एक्सेट्रा से अगर देखा जाए कैटल जो फार्म्स होते हैं तो वहाँ पे अमोनिया रिलीज होता है, एंड एग्रीकल्चर सॉइल से क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड ये रिलीज होता है, ठीक है, सो आंसर इज ए, सॉरी आंसर इज सॉरी डी, आंसर इज डी, हाँ प्लीज नोट दैट आंसर इज डी ओनली, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ओके, ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड देख लेना कहाँ से इमिट होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट दिया है, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप इसको रीड कर सकते हो, सो नेक्स्ट, इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रपोजल टू यूज द हाइड्रोजन रिच सी एन जी, एच सी एन जी जिसको कहा जाता है एज अ फ्यूएल बसेस इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको केयरफुली रीड करना, सो वॉट शुड बी द आंसर, देखो थोड़ा लॉजिक्स लगाओ थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तभी जाके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाला है आपका, फास्ट, एच सी एन जी 19 का ही क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सो आई होप आपको आना चाहिए, फास्ट, तो क्या रहेगा इसका आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर फास्ट, ठीक है, तो देखो मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एच सी एन जी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन कर दिया यहां पे एच सी एन जी से, एटलीस्ट 70 to 80% तक कार्बन मोनॉक्साइड रिड्यूस हो सकता है, नॉट एलिमिनेट, सो एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इज द एक्सट्रीम वर्ड, सो ये कट हो जाता है, तो वन अगर हम कट कर देते हैं दो ही ऑप्शन बचते, दैट इज 2, 3 एंड या फिर 4 रहेगा, तो एच सी एन जी एज अ फ्यूएल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस तो है तो राइट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन, यस इट इज राइट, सो सो द थिंग इज कि देखो 2 तो राइट होगा यहाँ पे, डेफिनेटली राइट है, हाइड्रोजन अप टू द 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद द सी एन जी फ्यूल और बसेस, ओके, तो ये एक हो सकता है, एंड एच सी एन जी कैन मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दिया है यहाँ पे, सो दैट इज ऑल्सो द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बिकॉज जितना एच सी एन जी या सी एन जी एड होगा तो उतना क्या होगा वो एक्सपेंसिव होगा, मोर एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो इट इज लेस एक्सपेंसिव, तो यूपीएससी ने बराबर वहाँ पे आपको देखो ब्लॉक करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए यहाँ पे,
ठीक है, सो याद रखना इट इज लेस नॉट लेस एक्सपेंसिव, उल्टा ये एक्सपेंसिव हो गया, सो दैट इज फोर शुड बी रॉन्ग, सो आंसर इज द टू एंड थ्री। ओके सो आंसर क्या रहेगा, ओनली टू एंड थ्री इज राइट। ओके क्लियर यहाँ तक सबको? तो देखो एच सी एन सी एच सी एन जी रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड अप टू 70% बट डज नॉट एलिमिनेट इट। ओके द एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड एच सी एन जी इज रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो येस इट इज राइट। एंड इमिशन कैन ऑल्सो भी इम्प्रूव विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सेट्रा, यहाँ पे दिया है। एंड अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे मतलब मोस्टली व्हीकल्स जो भी हो गए तो वो कॉस्टली हो जाएंगे, नॉट चीपर वन। ओके क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, सो आंसर शुड बी बी दैट इज टू एंड थ्री। ओके क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मिथेन हाइड्रेट। ओके मिथेन हाइड्रेट के लिए देखो क्या राइट होगा आंसर, मिथेन हाइड्रेट। फास्ट प्लीज रीड इट केयरफुली, कॉन्सेंट्रेशन रखो आपका क्लास पे, बाकी कहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखना है, हमें हमारा पढ़ना है, इतना याद रखो। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स एंड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर है ये आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर कंडीशन। मिथेन इज इन एटमोसफियर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। ओके ठीक है, फास्ट। ओके आंसर दिया है सी एंड बाय सुप्रिया दैट इज डी, तो आंसर इज डी। ओके सो ऑल यहाँ पे अगर देखते हैं ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ओके सो आंसर क्या रहेगा इसका, डी शुड बी द आंसर। ओके सो वार्मिंग माइट ट्रिगर्ड, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर्ड मिथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स, ये थोड़ा मतलब जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है तो ऐसे एरियाज में मिथेन हाइड्रेट वी कैन से कि जो डीप बेड्स होते हैं तो वहाँ पे मिलता है मिथेन हाइड्रेट। सो मिथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्टिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर कंडीशन। ओके तो इसलिए याद रखना ये सेकंड राइट होगा, एंड मिथेन इन द एटमोसफियर ऑक्सीडाइज टू द सी ओ टू आफ्टर डिकेड्स और टू, यस इट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है एज इन द पैटर्न ऑफ द सी ओ टू। ओके सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली आर्टिक परमाफोर्स जो रीजन्स होते हैं तो वहाँ पर ये मिलता है। एंड सेकेंड इज सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, डीप वाटर सेडिमेंट एंड इनलैंड लेक्स में ये मिलता है जनरली। एंड सेकेंड इज अंडर द अंटार्कटिक आइस भी ये मिलता है। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया पोल्स में होता है मोस्टली मिथेन हाइड्रेट ऑन द डीप ओशंस। ओके डीप सी बेड में मिलेगा सेडिमेंटेड रॉक्स में। ठीक है, तो वो एक रहेगा। एंड मिथेन इन द एटमोसफियर ऑक्सीडाइज टू सी ओ टू आफ्टर डिकेड और टू डिकेड्स। ओके तो मतलब 10-20 साल में ये क्या होते हैं जनरली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इन द वी कैन से कि इन द पैटर्न ऑफ द सी ओ टू। ओके इन द फॉर्म ऑफ द सी ओ टू सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इन टू द एटमोसफियर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू या स्टबल बर्निंग्स है, कौन से गैसेस पॉसिबल हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो विच आर द पॉसिबल बाय द स्टबल बर्निंग, देखो अभी दिल्ली में बहुत सारा स्टबल बर्निंग का इशू चल रहा है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि स्टबल बर्निंग से कौन से गैसेस इमिट हो सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ टेक इट केयरफुली। ठीक है, तो दिल्ली में कंटिन्यूसली इशू होता है, अभी भी देखो आपको न्यूज़ में दिख रहा होगा कि ग्रैप एक्टिवेट हो रहा है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू रिड्यूस द और टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ द दिल्ली। ओके या फिर हम बोल सकते कि जो एक न्यूली सुप्रीम कोर्ट मैंडेट से क्या बना है अभी ईपीसी है, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी इज क्रिएटेड बाय द ये सुप्रीम कोर्ट मैंडेट अंडर विच एक्ट, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। ओके सो देखो दिल्ली रिलेटेड अभी पोल्यूशन रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू और बायोमास रेसिड्यू या स्टबल बर्निंग से कौन से गैसेस पॉसिबल हो सकते हैं। सो आंसर शुड बी यस डी, किसका भी आंसर सही नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, सो देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉसिबल है, मिथेन भी पॉसिबल है, ओजोन भी पॉसिबल है, ओजोन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली पॉसिबल है व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या आ सकता है, यस तब ओजोन क्रिएट होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओके सो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट होता है, सो आंसर शुड बी डी नॉट सी नॉट सी। ओके समझ रहे हैं सबको, सी नहीं रहेगा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, तो दैट इज द डी 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉसिबल है, मिथेन भी पॉसिबल है, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो। ओके अंडरस्टूड एवरीवन, यस।
ओजोन होता है ना सेकेंडरी पोल्यूटेंट, नहीं है सेकेंडरी पोल्यूटेंट में भी हो जाता है, यस डेफिनेटली होता है। देखो ओजोन भी होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, देखो O3 यहाँ पे दिख रहा है, देखो इट मे बी सेप्टिक कंक्लूडेड क्रॉप रेसिड्यू ओनली इमिट्स पॉइजनस गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CO2। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हमने देखे यहाँ पे, तो जो एलिमिनेट हो सकते हैं, इतने सारे होते हैं ना N2O वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब देखो मीथेन के साथ CO2 भी है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन ऑल्सो देयर, सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट होता है, ठीक है। तो इतने सारे पोल्यूटेंट्स यहाँ पे पॉसिबल है विथ मिथेन ऑल्सो। ओके अंडरस्टूड एवरी वन, यहाँ तक कुछ किसी का क्वेश्चन है? यस एनी क्वेश्चन अप टू दिस फास्ट? यस एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस फास्ट रिप्लाई फास्ट। यस किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। तो जो भी और भी कुछ क्वेश्चंस हो गए सो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर इन इंडिया, दैट कार्बोफ्यूरॉन रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करने वाले, माइक्रोबेड्स भी एक इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा स्पॉइल नहीं करता हूँ मैं जो भी आपके मतलब यहाँ पे आंसर्स हो सकते हैं, तो ज़्यादा स्पॉइल नहीं हो गए, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं। एंड प्लीज़ थोड़ा सा एनवायरनमेंट को द हिंदू से रीड करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल शंकर ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डायरेक्टली द हिंदू में, जो न्यूज़ में होगा करंट में वहाँ से आते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी हम वो सब पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो याद रखना कल भी आपका एक सेशन होगा जो कि अन अकेडमी ऐप पे होगा एज अ एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज, ओके। सो वहाँ पे आपको पूरे एनवायरमेंट के अक्टूबर के न्यूज़ जो है तो उसका पूरा कवरेज मिलेगा। यू जस्ट हैव टू डू दैट कि सुमित कोंडे ऐसे टाइप करो आप, जो आपका अन अकेडमी ऐप होगा वहाँ पे, एंड जो मैंने सेशन कंडक्ट किया, आज एक सेशन कंडक्ट हुआ था अक्टूबर के करंट अफेयर्स का, तो वहाँ से बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। और वो देखना है आज का जो सेशन हुआ था मॉर्निंग का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने एनवायरनमेंट रिलेटेड वहाँ पे कवर किए थे। एंड कल रिमेनिंग 10 डेज का, मतलब आज हमने 1st ऑफ अक्टूबर टू 10th ऑफ अक्टूबर कुछ कवर किया है, नेक्स्ट हमने 10th ऑफ अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर कल मॉर्निंग में होगा, एंड 20 टू 30th ऑफ अक्टूबर ये आपका कल इवनिंग में होगा। सो हार्डली 3 सेशंस में आपका पूरे महीने का एनवायरनमेंट का पूरा अच्छा डिटेल कवरेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं यूट्यूब पे नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं है, अन अकेडमी ऐप पे आपको जस्ट टाइप करना है सुमित कोंडे, सो दैट यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स। एंड इसके पहले पे भी पूरे साल के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे विद द प्रॉपर PPTs, ठीक है, PPT के साथ भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो मतलब जून 19 से लेके अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर्स आपको प्रॉपर PPTs वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यस ओके यूट्यूब पे अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा 2nd नवंबर को होगा, इसके बाद का भी जो लेक्चर होगा, एंड दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ल्ड क्लाइमेट, ओके। वर्ल्ड क्लाइमेट जो कि पूरा जीसी लियोंग आपका बहुत अच्छे से कवर होगा, एंड वर्ल्ड क्लाइमेट विद द वेरी इंटरैक्टिव PPT वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ल्ड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, सवाना क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन उसके बाद और भी नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा, एंड टुंडा क्लाइमेट। तो ये सब हम कवर करने वाले राइट फ्रॉम द 2nd नवंबर, एवरी अल्टरनेट डे को होगा, मतलब 2nd नवंबर, 4th नवंबर, लाइक दिस, ओके। तो ऐसे एवरी अल्टरनेट डे को होने वाला है, तो प्लीज़ वो तो करो ही आप डेफिनेटली, बिकॉज आपको मेंस या प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका, ठीक है। ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी डायरेक्टली ऑन 2nd नवंबर, एंड अन अकेडमी पे फॉलो कर दो। सो ऐप जो रहेगा वहाँ पे हमारा कल मॉर्निंग में सेशन होगा 10 बजे, ठीक है। ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस हैव अ नाइस डे।